भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 8 संगठन की जिला की कोर कमेटी का बैठक ली। इस बैठक में दुर्ग संभाग निवासी करने वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। मीटिंग में आगे की रणनीति को तैयार करने के लिए बंद दरवाजों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से अपनी बातें साझा की और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस समर्थित सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बंदरबांट कर रही है, इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मीटिंग खत्म होने के दौरान हर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भाजपा इस मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों से चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस के विषय उठाया, किस प्रकार से भूपेश सरकार ने 16 लाख हितग्राहियों का आवास लौटा दिया और केवल अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, केवल राजनीति करने के कारण, अपने चेहरे को चमकाने के कारण गरीबों का आसियाना छीनने वाला भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी हो रही है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां पंचायतों में भी हितग्राहियों के साथ आंदोलन शुरुआत किया, फिर विधानसभा के हर विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हुए, जिला स्तर के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में हितग्राहियों के इस विषय को लेकर, मोर आवास मोर अधिकार के इस आयोजन को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन का स्वरूप बनाया है और आने वाले इसी महीने में विधान दुर्ग में कांग्रेस की परिषद है, दुर्ग में कांग्रेस के विधायक अरुण बोरा जी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, बहुमत वाली सरकार है और ऐसा लगता है ये पूरे परिषद काम कराने में असक्षम है और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलनरत है। अभी हम वर्तमान की स्थिति देखें, सफाईकर्मी लगातार हड़ताल पर है, पूरे शहर में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, जानवर मरे पड़े हैं, कुत्ते और बिल्ली को उठाने वाले कोई नहीं है और तो और लोग सफाई के नाम से इतने परेशान हैं। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से भारतीय जनता